में हुए जो दो बच्चों का जो हत्याकांड हुआ है उसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं। हमारे साथ है विश्व हिंदू परिषद के श्री राजेश जी। हमें क्या है पूरे घटनाक्रम पर आपका जिस तरीके से कहना, दो बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई यहाँ पर। जब अभी तीन दिन पहले जो यहाँ पर घटना हुई है, वास्तव में हम सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उस परिवार के दुखद जो दुख की घड़ी है उसको बांटने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी हम लोग छत पर गए थे, वहां पर एक 6 साल का और 10 साल के बच्चे की जो हत्या हुई है, जिस प्रकार से पूरी छत जो है वो खून से लथपथ है, तो तीसरा है शायद वो उसके कांच लग गया, इसकी वजह से वो भाग गया, नहीं तो तीसरा भी बालक वहां पर आज वहां पर जो है उसको भी वो दुनिया में नहीं होता। तो वास्तव में ये मनुष्यों के द्वारा किया हुआ काम तो नहीं हो सकता है। ये जिहादी और जो तालिबानी मानसिकता के लोग इस भारत के अंदर रह रहे हैं उनके द्वारा ये किया गया करते हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और समाज से आह्वान करते हैं कि अपने आस पड़ोस में जो ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं इनकी पहचान करें, इनका आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। अपने बच्चों को अब हम घरों पर भी सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, हमारे घरों पर आकर के हमारे बच्चों को काटेंगे, ये हम सभी के लिए बहुत विचारणीय प्रश्न ये समाज के सामने खड़ा है। घटना के जो दोनों आरोपी थे उसमें एक का एनकाउंटर कर दिया गया, दूसरे ने आपको खबर कर दिया है, अब आपको क्या लगता है दूसरे के साथ क्या सजा होनी चाहिए? वास्तव में इसके लिए हम उत्तर प्रदेश की पुलिस को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतने कम समय में दोनों आरोपियों को पकड़ा है। सजा देने का काम कानून का है, कानून अपने हिसाब से काम करेगा, लेकिन उनको पकड़ा गया है, एक का एनकाउंटर हुआ है, दूसरा आज बरेली के अंदर पकड़ा गया है, उसके लिए तो हम पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इस पूरी घटना पर समाजवादी पार्टी जो है पूरी राजनीतिक रंग भी दे रही है, वो कहती है कि दंगा कराना जैसे बीजेपी का काम है, इलेक्शन का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दंगा करने वाले या इस घटना को देने वाले कौन थे? वो इस हिंदू परिवार के अंदर आए, 5,000 रुपए उन्होंने मांगे, हिंदू परिवार ने 5,000 रुपए दिए, चाय भी पिलाई, उन्होंने पानी मांगा, पानी भी छोटा बच्चा लेकर के गया। इससे पता चलता है कि गलत मानसिकता, विकृत मानसिकता, ये कोई संस्कार नहीं हो सकते हैं। ये हम कभी घटनाएं सुनते थे तालिबान के अंदर के गला रेत करके हत्या होती थी, हमने वो हत्या तो नहीं देखी, लेकिन जो ऊपर छत के ऊपर खून देखा है उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में वो दरिंदे थे, वो तालिबानी मानसिकता और ऐसी प्रवृत्ति के, जिहादी प्रवृत्ति के लोग थे। वास्तव में इस घटना की हम घोर निंदा करते। आपने देखा कि श्री राजेश जी ने बताया कि जिस तरीके से दोनों आरोपी जो थे तालिबानी और जिहादी मानसिकता के लोग थे जिन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। मैं भारत शर्मा, एबीपी न्यूज़ बताएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।